लेकिन उन्होंने की है दांत, उन्होंने सरेआम की है, वो बॉल के अंदर स्प्रिंग था। हाँ जी, इसका प्रूफ है आपके पास? नहीं, अभी प्रूफ तो नहीं है, नेट पे देख रहे हैं जो भी देख। 70 साल से पाकिस्तान का इंडिया का तनाजे का मुकाबला है, कश्मीर का मसला है, वो हिंदू है मुस्लिम है, राम और मुस्लिम का ये झगड़ा ये क्यामत तक रहेगा, ये हल नहीं हो सकता कभी। इंडिया बिल्कुल डिजर्व करता है। पाकिस्तान में रह के आप इंडिया को सपोर्ट कर रहे हो यार, पाकिस्तान तो बाहर हो गया ना, पाकिस्तान तो बाहर हो गया ना, नहीं है ना, अब तो वो बाहर हो गया, छोड़ दो, हो गया तो हो गया, फिर भी आप इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं। आप वैसे करता तो इंडिया धांधली है, ये तो हम शुरू से देखते आ रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि उन्होंने धांधली की हो। अच्छा, ये भी बताएं कि कब कब धांधली हुई, मिसालें दे। ये जो अभी वर्ल्ड कप हुआ उसमें सारी धांधली हुई है इंडिया ने, पक्की धांधली की है। वो नेट पे देखते रहे हैं, पिच पे, यानी जब फाइनल था उनका, उन्होंने रात को पिच चेंज करने का प्रोग्राम किया। किसने पिच चेंज की, कब की बात है ये? ये जो अभी जो वर्ल्ड कप हुआ, पिछले दफा जो वर्ल्ड कप, हाँ जी, ये फिर हार गए थे, वो हार गए थे, लेकिन वो ऑस्ट्रेलिया ने पिच चेंज नहीं करने दी। ऑस्ट्रेलिया ने पहरा दिया होगा फिर स्टेडियम में, हद हो गई है। हमें तो पता, यही चला कि उन्होंने उधर मंजी डाली थी, इसे देख के पहुंचा। अच्छा, हाँ जी, ये इंडिया पैसे दे के पहुंच लो ना, तो मेरी जान, मेरी बात के आगे आया है, ऐसे थोड़ी आ गया। देखो मेरी बात सुनो, आप भी पैसे दे के आ जाओ, मसला ये आपके पास पैसे भी नहीं है, गेम पैसे की है, इसलिए इंडिया फाइनल में पहुंच गया, नहीं तो इंडिया में इतना दमखम नहीं है जो पाकिस्तान को हरा सकता। चेंज हुई है, पिच चेंज हुई है, पिच चेंज नहीं हुई, उसमें सिर्फ एक सफाई जो मशीन की हुई ना, उसमें उस पिच को हार्ड किया गया है, और उसके अलावा जो बॉल होती है जिसे हम बॉलिंग करते हैं, उसके अगर हम सीम चेंज कर दें, सिलाई चेंज कर दें, तो बॉल ज़्यादा टर्न करना शुरू हो जाता है, उसकी स्विंग में फ़र्क आता है, यानी कि स्विंग ज़्यादा होती है, तो बॉल को चेंज करना पॉसिबल है, पिच को चेंज करना इतना ईजी नहीं है, तो मैं भी बॉल चेंज कर दी हूँ। तो जा रहे हैं जंग लड़े, हम पहुंचे बॉर्डर पे ग्रेनेड ग्रनूड बांध के, क्रिकेट पे नहीं, आप आर्मी लेवल, उस लेवल पे बात करो, गेम को भी नहीं, और साथ इंडिया वालों को लेके। जय हिंद दोस्तों, भारत के मैच जीतते ही पाकिस्तानियों का रोना धोना शुरू हो गया है, और पाकिस्तानी कहते हैं कि भारत ने पिच चेंज की है और बॉल पे स्प्रिंग लगाया है, और ये जानकारियां इनको इंटरनेट के माध्यम से मिल रही हैं। हालांकि पाकिस्तान में इंटरनेट चल रहा है, आपको इससे जानकारी मिल चुकी होगी, और पाकिस्तानियों के अजीब अजीब से बयानात यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मिलर मारने लगा था छक्का, सामने तेरा अब्बू सूर्या कुमार यादव खड़ा हुआ था, जो सूर्या कुमार यादव ने कैच पकड़ा, जो हार्दिक पांड्या ने लास्ट ओवर डाला, जो लास्ट दो ओवर कराए हैं, जो जसप्रीत बुमराह ने जो सेकंड लास्ट ओवर करवाया, जो हर्षदीप सिंह ने, और पचा दिया पकड़ के, अपना इंडिया चैंपियन बन गए आज, पकड़ के घुसा दिए आज उन सबको जो हेटर्स थे, जो टीवी पे बैठ के बकवास करते थे, जो दो टके के लोग बकवास, निकल सोनू पीली चप्पल पर, अब बता मुझे अगले साल चैंपियन ट्रॉफी हो रही है, इंडिया देखे आती है, जो नखरे उठाएगी कि हम नहीं आएंगे, अपनी ख्वाहिशों में मारेंगे, हमारे जो ICC है पाकिस्तान का क्रिकेट दारा, उसने कहा पीसीबी जो दारा है, उसने कहा कि इंडिया के सारे मैच ना एक ही शहर में रखेंगे, एक ही ग्राउंड में रखेंगे, उनको टूर ना करना पड़े। ये भाई इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं, शायद ये इंडिया से आए हैं, आपको इंडिया से कोई खास इख्तलाफ आते हैं? मैं इंडिया के बहुत खिलाफ हूँ। क्या वजह है? बस वजह है वो दुश्मन है हमारे, इसीलिए आप इंडिया को सपोर्ट नहीं कर रहे। हाँ जी, ये हमारी अपनी दुश्मनी को ना गेम्स के अंदर नहीं लेके आना चाहिए, गेम को गेम रहने दें, गेम को गेम की तौर पे एंजॉय करना चाहिए। जा रहे हैं जंग लड़े, हम पहुंचे बॉर्डर पे ग्रेनेड ग्रनूड बांध के, क्रिकेट पे नहीं, आप आर्मी लेवल, उस लेवल पे बात करो, गेम को नहीं बीच में, साथ इंडिया वालों को लेके भी मरे। ये ना मेरा ख्याल है असलों की जंग नहीं है, ये इकोनॉमी की जंग है। हमें थोड़ी पहुंचो, वो पैसे दे के पहुंचा। अच्छा, हाँ जी, ये इंडिया दे के पहुंच लो ना, मेरी जान, मेरी बात के आगे आया है, ऐसे थोड़ी आ गया। देखो मेरी बात सुनो, आप भी पैसे दे के आ जाओ, मसला ये आपके पास पैसे भी नहीं है। हाँ जी, ठीक है ना, उसने मेहनत मजदूरी करके खाने वाले, हक लाल की करके खाने वाले हैं भाई। बात है यार, मैं आपके बात नहीं कर रहा, मैं ओवरऑल पाकिस्तान में रह के आप इंडिया को सपोर्ट कर रहे हो यार, पाकिस्तान तो बाहर हो गया ना, पाकिस्तान तो बाहर हो गया ना, नहीं है ना, अब तो वो बाहर हो गया, छोड़ दो, हो गया तो हो गया, फिर भी आप इंडिया को सपोर्ट कर, बाकी जो टीमें हैं वो पैसे दे के आगे नहीं आती, इंडिया पैसे दे के आगे। हाँ जी, तो हम भी पैसे दे के आगे चले जाते हैं, हमारे को मजे काबिल नहीं है कि पैसे दे, फिर यही सारी बात, सारी गेम ही पैसे की है ना, गेम पैसे की है, इसलिए इंडिया फाइनल में पहुंच गया, नहीं तो इंडिया में इतना दमखम नहीं है जो पाकिस्तान को हरा सकता। फिर हम लोग कैसे हार गए? देखें, हम लोग जीत रहे थे ना, हम लोग
फर्स्ट इनिंग की बात करें इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के हम लोग जीत रहे थे। सेकंड इनिंग में पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हाथ पांव फूल गया, मानते हैं इस चीज को? बिल्कुल, हम प्रेशर नहीं झेल सके। बिल्कुल, इंडिया के बॉलर्स ने उड़ा के रख दिया। इंडिया के बॉलर ने नहीं, इंडिया के डालरों ने उड़ा के रख दिया। मैं तो बात करूंगा सही, 31 पे 31 चाहिए था, 31 पे 31 चाहिए था। वहां क्लासन खेल रहा था, इंडिया लग रहा था कि अब वर्ल्ड कप से बाहर हो गया, लेकिन जसप्रीत बुमराह ने जो आगे डेथ बॉलिंग की है, जसप्रीत बुमराह ने जो आगे अपनी क्लास दिखाई है, दिस इज द ब्यूटी ऑफ इंडियन क्रिकेट। इंडिया विन द वर्ल्ड कप, इंडिया विन द वर्ल्ड कप, इंडिया वर्ल्ड कप जीत गया। अब तो कोई नहीं बोलेगा कि इंडिया चोकर है, इंडिया ये है, इंडिया वो। मरे घंटो निकल पर, ओ इंजी आलू, इंजी आलू, इंजी आलू, इंजी आलू किधर गया तू? आलू इंजी, इंजी आलू किधर गया तू? इंजी आलू, तू तो कह रहा था कि इंडिया तो जी फिक्सिंग करता है। ओ मरे घंटे के, तेरा बाप है इंडिया, तेरा बाप है, वंदे मातरम, ठीक है, लहरा दो, लहरा दिया आज, आज लहरा दिया पकड़ के, आज लहरा दिया पकड़ के, आज बारबाडोस में, किंगस्टन ओवल में आज लहरा दिया पकड़ के रोहित शर्मा ने इंडिया का झंडा, आज चैंपियन बन गया इंडिया, आज किंगस्टन ओवल में इंडिया चैंपियन बन गया। इंडिया ने आज पकड़ के बजा दिया सबको, इंडिया ने आज पकड़ के घुसा दिया सबको, वाकई इंडिया ने लेके बता दिया, इंडिया ही इंडिया, बस खत्म हो गया इंडिया इंडिया। वलीद क्या कहेंगे, आज T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी इंडिया ने अपने नाम कर ली है, एक भी मैच नहीं हारा इंडिया, एक भी इंडिया मैच नहीं हारा। इंडिया ने जो रोहित शर्मा अपनी कौम से जो वादे करके आया था वो पूरे किए हैं भाई। हिस्ट्री याद रखेगी रोहित शर्मा की, वो मेहनत को याद रखेगी जो उसने कुर्बानी दी है। जो सेमीफाइनल के अंदर रोहित शर्मा रोया था उसका बदला साउथ अफ्रीका से लेने थे भाई, साउथ अफ्रीका 10-20 बारियां ले लेती तो भी इंडिया को नहीं हरा सकती भाई, इंडिया से जितनी बड़ी टीम बनेगी। दोस्तों आपने ये वीडियो देखी और आपको आइडिया लग गया होगा कि पाकिस्तानी कहते हैं कि भारत ने रातों रात पिच चेंज कर दी है, और कुछ कहते हैं कि भारत ने जो बॉल है उसकी सिलाई चेंज कर दी है, और कुछ कहते हैं कि भारत ने बॉल ही चेंज कर दी है, और भारत धांधली करता आया है मैचेज में। पिछले वर्ल्ड कप में भी उन्होंने कहा कि भारत ने पिच चेंज करने की कोशिश की लेकिन पिच चेंज नहीं हो पाई, ऑस्ट्रेलिया ने वहां पर पहरा दिया हुआ था, और अब बात कर रहे हैं कि भारत ने रातों रात पिच चेंज कर दी है, बॉल चेंज हुआ है, स्विंग लगा दिया है, अलग अलग बहुत ही भयानक आपको कमेंट देखने को मिले हैं। और इससे साफ जाहिर है पाकिस्तान की झुंझलाहट, क्योंकि पाकिस्तान की टीम वर्ल्ड कप से आउट हो चुकी थी और पाकिस्तान अपने खिलाड़ियों को खुद गाली दे रहा है। दूसरी बात, पाकिस्तान के लोगों को कभी भी ये गवारा नहीं होगा कि भारत जीते, भारत जीता है और भारत ने अपना प्रदर्शन फील्ड में दिखाया है, और सेम पिच पे दूसरी टीम भी खेली है, भारत ने काफी अच्छा अपना प्रदर्शन किया है, और इसके चलते दुनिया में भारतीयों का जो रुतबा है वो बढ़ रहा है, भारत के लोग दुनिया में सड़कों पे उतर के जश्न मना रहे हैं वर्ल्ड कप का। दोस्तों आपके क्या विचार हैं आप जरूर कमेंट कीजिएगा, और पाकिस्तानी हमेशा यही कहते हैं कि अगर भारत की टीम अच्छी खेली है तो ठीक है, लेकिन हमें भारत को सपोर्ट नहीं करना है। वहीं आपने देखा अफगानिस्तान के अंदर भारत की जीत पे फुलझड़ियां जलाई गई, रॉकेट दागे गए और दिवाली मनाई गई है। अब पाकिस्तान भारत को जीतता देखकर दुखी है, लेकिन अफगानिस्तान जो भारत का मित्र है वो भारत की जीत पे खुशी मना रहा है, और इसी तरह से दुनिया के देशों में भारत की जीत को लेकर काफी खुशियां मनाई गई हैं, लेकिन पाकिस्तान का रोदनु सा चेहरा सबके सामने है, और पाकिस्तान की हकीकत जाहिर है कि पाकिस्तान भारत की तरक्की से कभी भी खुश नहीं होता है, बकायदा भारत पे आरोप लगाता है कि भारत धांधली करता है, भारत गलत तरीके से जीतता है वगैरह वगैरह। आपके जो भी विचार हैं आप जरूर कमेंट पर रखिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, मैं आपको मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।